हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, कम से कम 15-20 दिन के बाद एक पर्ची आई, सारी पर्ची दोस्तों जो कि पीछे लग रही थी। तो आज हम अपनी पर्ची भरने के लिए आए। गन्ने देख सकते हैं, हमने दाब रखे पत्ते में ताकि भाई सूख साख ना जा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा झोटा, देखो किस तरह कर रहा, मस्ती मार रहा पूरी। तो दोस्तों उधर हमारी बुग्गी खड़ी है, देख लो उधर बुग्गी खड़ी है। अब देख लो किसान का कहना, ट्रैक्टर ट्रोली तो या फिर बुग्गी झोटे तो काम नहीं चलता, चाहिए तो दोनों चीज़। अब मान लिया ट्रोली भरने के लिए तो पीछे बुग्गी लगानी पड़े, तो झोटा ही जरूर चाहिए यार। कुछ किसान भाई है जो कि बुग्गी को पीछे बांध के लिया दोस्तों, फिर गली वली में बढ़ाने में दिक्कत पड़े, फिर अपना बम वम टूटने का भी डर है। तो दोस्तों दोनों चीज़ ज़रूरी चाहिए, झोटा बुग्गी भी और ट्रैक्टर ट्रोली भी, जो किसान को अपना काम करना। कहना मतलब यू है कि सारी चीज़ें किसान के पास, यंत्र जो है ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके यंत्र के काम नहीं चलता। तो दोस्तों देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं खड़ा दोस्तों, आपका सारा मीघ नीचे पड़ा, ये इधर हमारा बोर्ड होगा देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अब गन्ने भर के दिखाओगे, आपको गन्ने भर के कुछ देर बाद तो दिखाओगे आप। तो दोस्तों हमने ट्रॉली भर ली, बेड़ बेड़ बांध के साफ सफाई कर करके बिल्कुल टंच कर दिया काम। तो थोड़ा सा हल्ला है कि देख सकते हैं, हमने कई दिन पहले से पानी भरा था, मगर पड़े वाले चीज़ हो जाएगी। अब पर्ची आ गई, मगर चलो भीतर ही भर ली। तो दोस्तों अब निकाल के दिखाते हैं आपको क्या हिसाब बनता है। दोस्तों ट्रॉली हमने स्टक रोड पे निकाल ली। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।